गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था एन फ्रैंक की डायरी का पहला पेज, जो उसने 8 जुलाई 1942 दिन बुधवार को लिखा था, जिसमें उसने अज्ञातवास से एक दिन पहले का वर्णन उसने किया था। तो आगे है 9 जुलाई 1942, मतलब जिस दिन गुरुवार वीरवार था, तो उसने अपनी उसी गुड़िया को संबोधित करते हुए उस डायरी में लिखना शुरू किया कि प्यारी किट्टी, तो आखिर हम चल पड़े। अब वो कहाँ के लिए चल पड़े? अज्ञातवास के लिए। मम्मी पापा और मैं, क्योंकि जो उसने बताया कि उसकी जो बहन थी वो पहले से ही साइकिल पर वहाँ पहुँच चुकी थी, तो उसके जो पेरेंट्स थे और वह खुद तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे, जो अलम गलम चीज़ों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे, मतलब अजीबो गरीब चीज़ों से। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करवा सकते थे। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। अब उनके सीने पर चमकता पीला सितारा, इसका क्या अर्थ है कि वहाँ पर जो भी यहूदी लोग रहते थे उनकी निशानी के लिए वहाँ एक पीला सितारा निशान लगाया जाता था, मतलब उनको एक एक तरह से उनसे भेदभाव किया जाता था, कोई उनकी हेल्प नहीं करता था, मतलब उनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी वहाँ पर। तो वो पीला सितारा से सबको पता चल जाता था कि ये लोग यहूदी हैं। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे, मतलब निश्चित तो क्या हुआ था 16 जुलाई, लेकिन जब उसकी बहन मार्गोट के लिए वहाँ का बुलावा आ गया था तो उन्हें अब डर था कि वो उन्हें यातना गृह में डाल दिया जाएगा। तो उससे मतलब कुछ दिन पहले ही उन्हें अपनी ये योजना बनाई गई, उन्होंने बनाई। तो 16 जुलाई के बदले उन्होंने 9 जुलाई को ही वे अपने घर से निकल लिए थे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। मतलब पहले तो वो वहाँ पर कुछ कमरे वगैरह मतलब अच्छे ढंग से तैयार करवा रहे थे कि उन्हें वहाँ पर छुप कर रहना था, लेकिन अब पहले ही 10 दिन पहले ही उनकी जो प्लानिंग आगे करनी पड़ी, तो अब जो था उसी में गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मिएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम बेब वोस्क्विल था, उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्क्विल बेब के पिता, 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था, मतलब कि अब उन्हें अज्ञातवास का जो समय काटना था वो पापा के ऑफिस में ही एक इमारत बनी हुई थी बैक साइड पे, वहाँ पर काटना था। तो उनके ऑफिस में जो भी कुछ एक लोग ही थे उन सबको इसके बारे में चाहे पता था, और वो पिता के विश्वसनीय लोग थे। तो इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह हैं, जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। मतलब इसमें जो एन फ्रैंक जो इस पार्ट की लेखिका है, जिसकी डायरी के पन्ने हम पढ़ रहे हैं, उसने इसमें बड़ी बारीकी से उस जगह का वर्णन किया कि जहाँ वे 2 वर्ष तक रहे थे, कि वहाँ जो पापा के ऑफिस में जो भी बैक साइड पे जो भी कमरे बने हुए थे, गोदाम बना हुआ था, उसका बड़ा बारीकी से वो वर्णन कर रही है कि ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई ना देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेब, मिएप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है।
इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधेरा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदन बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और चार सीढ़ियां चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यह पूरी इमारत का शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के दो चूल्हे हैं, साथ में पखाना है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियां खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। तो इस तरह से उसने उस ऑफिस की जो भी बैक साइड पे जहां भी वो रहे, वहां कहां कहां दरवाजे थे, कहां कहां खिड़कियां थी, कहां किसका कमरा था, कहां कौन सी फर्नीचर रखी हुई थी, कौन सा मेन दरवाजा था, कौन सी सीढ़ियां कहां जाती थी, कहां पर वो उनके मसाले वगैरह रखने के जो गोदाम बने हुए थे, मतलब इन सारी चीजों का उसने यहां पर वर्णन किया है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त अनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्पार्ट मट मैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। अब वो जहां रहे कि उनकी जो पीछे, मतलब कोई पता भी नहीं चल सकता था कि इस दरवाजे के बाद इतने कमरे होंगे और यहाँ कोई फैमिली रहती है। तो वहां किसी को कोई अनुमान नहीं था। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की दो जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। मतलब इसमें बता रही है कि वहां दो ही कमरे थे जहां पर एक तो उनका बेडरूम और जो ड्राइंग रूम का काम करता था और दूसरा उनके स्टडी रूम वगैरह के लिए था। तो यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुलगर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वानदान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी ही अटारी और मियानी यहाँ भी तो है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी, तुम्हारी ऐन। तो इस तरह से उसने जो दूसरे दिन जब वो अज्ञातवास में अपने वहां पहुंच गए थे, जो ऑफिस की जो भी बैक साइड पे जो भी कमरे बने हुए थे, जो किसी को मतलब वहां के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ इतने ज्यादा कमरे हो सकते हैं, तो वहां का सारा वर्णन अपने दूसरे दिन की डायरी में उसने किया।